अस्सलामुअलैकुम, इन कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ बादशाही मस्जिद में और आपने पिछली वीडियोस में भी इसके थोड़े से नज़ारे देखे थे, लेकिन मैंने सोचा कि इसकी पूरी हिस्ट्री में बता देता हूँ इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो लास्ट में अच्छी लग रही ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, वीडियो को स्किप नहीं करनी क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी नज़ारे दिखाऊँगा इस वीडियो में। तो भाई बादशाही मस्जिद के लिए आपको सबको पता है आपने लाहौर आना है, और लाहौर में फिर आपको दाता दरबार पे मैंने होटल में ठहरा था और फिर उसके बाद मैं आया था। बादशाही मस्जिद का मेन एरिया है, इसके साथ आप लाहौर फोर्ट देख सकते हैं, मीनार पाकिस्तान है, लियारी अड्डी के बिल्कुल साथ ही थे, मतलब 10-15 मिनट का फासला होगा मैक्सिमम। और मैं आपको साथ साथ में ये भी बताता चलूँ कि असल में बादशाही मस्जिद जो है इसको अंग्रेज़ों के इसको मुग़ल दौर में जब बनाया गया तो काफ़ी इसको मिसयूज़ किया गया है यार। सिखों ने यहाँ पे हीरे जवाहरात जो थे, जो गोल्ड था, यहाँ पे जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना वो चुराए, उसके मार्बल्स चुराए। पर उसके बाद जो अंग्रेज़ों का दौर आया ब्रिटिश टाइम में, तो ब्रिटिश टाइम में इसको यार मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया गया, और ऐसे हिंदुओं के दौर में यार कभी की इसको अस्तबल बनाने की कोशिश की और यूज़ भी किया गया। तो ये वाहिद मस्जिद है जिसको जंग के लिए काफ़ी ज़्यादा और वर्शिप के लिए काफ़ी कम यूज़ किया गया, ये आपके इलम में होना चाहिए। और ये मेरे लिए सबसे खुशकिस्मती है कि मैं दुनिया के 5th बिगेस्ट मॉस में खड़ा हूँ। आपको नहीं पता सर्च कीजिए। और अगर आप फिर बादशाही मस्जिद आए ना तो साथ में आप ये लाहौर का फोर्ट विज़िट कर सकते हैं, इसके साथ साथ और गुरुद्वारा है। और अभी सिखों का ये जो है वो एक ख़ास किस्म का फेस्टिवल जारी है, तो ज़्यादा उस साइड पे तो अलाव नहीं है, लेकिन आप फिर भी जा सकते हैं। अगर सिख है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन भाई एरिया ऐसा है ना कि आप ज़िंदगी में आप यहाँ से इतनी यादें ले जाएँगे ना जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो दिस इज़ द ओनली मॉस्क इन द वर्ल्ड जिसको यार जिसको वर्शिप के लिए कम और जंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। और इसके साथ साथ ये बात भी आपको ज़हनशीन करनी चाहिए कि सुल्तान कबूस मॉस्क इज़ द बिगेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड। फिर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 5th मॉस्क बादशाही मस्जिद है, दुनिया का 3rd बिगेस्ट मॉस्क फैसल मस्जिद, आप सब ने देखा है। अगर आप इस्लामाबाद आ रहे हैं और आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बस सिर्फ ढूंढने की कोशिश है। और पाकिस्तान की जो है हालत ठीक हो जाए ना तो यार यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन से, और बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स मैंने देखे आते हैं यहाँ पे।